star Siddhant Chaturvedi interacted with the media as he arrived to promote his fleeting poster of Hasan Se Hasil. The self-made star spoke on his journey and also brought along his friends and introduced them to the media. He thanked all his friends in the interaction and on Instagram as well. आज की शाम इन सबके नाम थोड़ा तो खुश ये मेरे दोस्त हैं, मेरे बड्स हैं और बडवाइजर के साथ जो एसोसिएशन है, सो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये सारे के सारे जो भी हैं ये सब कॉलेज के दोस्त हैं, मेरे सीए के दोस्त हैं और को अभी बाहर मिले तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो तो ले आया दोस्तों को कम पड़ गए थे। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बचपन के दोस्त हैं मेरे और शुरुआत इन्हीं के साथ हुई है और मेरे लोज में, मेरे हाइज में, मेरी पूरी जर्नी में, मेरे सफ़र में, मेरे पूरे हसल में ये सब साथ में थे और काफ़ी खुश हूँ मैं कि ये दिन मेरा नहीं है, ये इनका है, ये दोस्तों के लिए है। ये मेरे लाइफ का पहला जिसने पोर्टफोलियो शूट किया था, ना इसको आती है फोटोग्राफी ना मुझे मॉडलिंग आती थी, कैमरा हमें कहीं से मिल गया था और पहला फोटोशूट बैंड स्टैंड पे था जोया अख्तर के घर के सामने और उसके 3-4 साल बाद गली बॉय आई, तो इसका तो मतलब ये बहुत स्पेशल है कि मेरी लाइफ का पहला मैं इसका पहला मॉडल हूँ और ये मेरा पहला फोटोग्राफर है। ये है डॉगी, इनके साथ मैंने गाना किया था धूप, आपने सुना ही होगा, तो ये मैं इनको मिला अभी हाल ही में बंटी बबली के समय जब ये शंकर सर के साथ काम कर रहे थे। बंटी बबली का म्यूज़िक दिया है, तूफान का म्यूज़िक दिया है, मेरी अगली फिल्म आ रही युद्रा उसका भी ये म्यूज़िक दे रहे हैं, तो इनके साथ मेरा वो म्यूज़िकल कनेक्शन है, तो जब मैं इतना बेसुरा हूँ तो ये इन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत गा पाता हूँ बेसिकली। The actor further spoke about his experience working on Gehraiyan and his upcoming films as well. जी मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, अच्छी फिल्म है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग बातें कर रहे हैं और दीपिका जी के साथ काम करने का मौका मिला और शकुन बत्रा साहब के साथ और कुछ अलग किस्म की फिल्म है, OTT पे आई लेकिन सब लोग ने इसको देखा है और अभी भी लोग देखे जा रहे हैं तो अभी भी चल रहा है। मुझे मज़ा आ रहा है कि काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, अलग अलग लोग उस चीज़ को लेके, अलग एंडिंग्स को लेके बातें कर रहे हैं, तो एक टॉपिक छिड़ा है तो मतलब मज़ा आ रहा है मुझे, तो लोग वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ, उनको सरप्राइज़ करना है, कुछ नया लेके आना है क्योंकि हर फिल्म में मैं नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी आगे एक्शन है, कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, फ़ोन बूथ कटरीना मैम के साथ वो आने वाली है, उसके बाद एक एक्शन फिल्म है जो फरहान सर ने लिखी है, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मैं सरप्राइज़ करना चाहता हूँ ऑडियंस को, मैं चाहता नहीं कि कुछ एक्सपेक्ट करें because expect the unexpected and that's what I aim for. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.